जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिनेतापहरणे। पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थान जी महाराज, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तजनों, आप सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता है। सबसे पहले तो पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि आप सबसे मैं पुनः मिल सकूं। आप लोगों ने भोजन किया, भौतिक तो भोजन ले लिया, भजनानंद का भी आनंद उठाया, सुबह कितने सुंदर प्रवचन हुए, आध्यात्मिक खुराक भी मिला, मानसिक खुराक भी मिला, भौतिक खुराक भी मिला, अब क्या चाहिए। ज्यादा खाने से क्या होता है, इसलिए अभी आपको जो जरूरत है पाचक गोली की जरूरत है। और वैसे भी ये समय ऐसा चुना है ब्रह्मस्थान जी महाराज ने मेरे लिए कि जब सबको नींद आ रही है, इतना अच्छा खाना खिलाया है कि अभी यदि विश्राम का एक घंटा और मिल जाए तो और आनंद आए। और उस समय ऐसा भारी ऐसा विषय, बाबा रे बाबा, चार योग, एक ही योग हम लोग को पड़ता नहीं है और चार योग का भार यदि आएगा तो क्या हालत होगी। मैं आप लोगों का चेहरा देख के समझ सकता हूँ कि कितनी हालत खराब हो गई। तो मैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये चार योग का समन्वय उस प्रकार से आपको दूंगा कि पाचक गोली के समान दूंगा। आपको लगा डाइजेस्टिव टेबलेट, उसको जितना हल्का बनाया जा सकेगा उतना मैं बनाऊंगा। अभी सभी लोगों के मन में, जितने लोग हैं यहां पर बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमें एक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक मानव एक वस्तु की तलाश में है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये बूढ़ी माता जी हैं, यहाँ जवान लड़के लड़कियां हैं, कोई भी किसी को पूछो, सब लोग एक वस्तु की खोज में है। और उसका नाम है, क्या नाम है, शांति। मन की शांति सबको चाहिए, पर हम लोग इतना भटकते हैं परंतु मन की शांति मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो शाश्वत सुख और शाश्वत शांति, इसका स्रोत प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती न इतरेषां। किसको शांति मिलती है? जो नित्य आत्मा के भीतर में जो परम नित्य परमात्मा है, चैतन्य तत्व के भीतर में जो परम चैतन्य तत्व के रूप में विराजमान है और जो समस्त विश्व का सृष्टि स्थिति पालन करते हैं, ऐसे जो परमात्मा है, तम आत्मस्थम, ऐसे जो परमात्मा जो हम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अवस्थित है, जब तक उनका दर्शन नहीं होगा, तेषां तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, जो धीर पुरुष उसका दर्शन कर लेते हैं, तेषां शांति शाश्वती, उनको ये शाश्वत शांति मिलती है, नेतरेषां, और किसी को नहीं मिल सकती। परम शांति यदि प्राप्त करनी है तो हमें अंदर जाना होगा। और इसीलिए कहा गया, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पलभर की तलाश में, पलभर की तलाश में मिल जाऊंगा। क्योंकि शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, बाहर नहीं है। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। वह हिमालय में कस्तूरी मृग पाया जाता है, हिरण,
बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको कहीं से कस्तूरी की सुगंध आ रही है, वो कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आ रही है वो जानने के लिए बहुत दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते थक के मर जाता है, बाद में पता लगता है कस्तूरी उसके पेट में थी। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सद गुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। यह कस्तूरी मृग के समान हम लोग भी भटक भटक के मर जाते हैं, पर हमें शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शास्त्र शांति तो हमारे भीतर में है। और इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म जब मिला है उस शांति को प्राप्त करना यह हमारे मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, इसको प्राप्त करना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उस शांति को प्राप्त करना, उस शाश्वत शांति को प्राप्त करना, उस परमात्मा का दर्शन करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। फिर भक्त लोग कहते हैं, आप तो कहते हैं ईश्वर का दर्शन करो, ईश्वर कहाँ है? श्री रामकृष्ण देव कहा, हम सबके भीतर में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। बोले आप तो बोलते हैं और हमको तो दिखता नहीं है, हमको तो अनुभूति नहीं होती, तो हम कैसे मानेंगे कि ईश्वर हमारे भीतर में है? तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, उनके पास इस प्रकार की एक चादर थी, उन्होंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। मुंह ढक करके कहा, अच्छा तुम मुझे देख सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब मैं नहीं हूं ना? हो तो सही। तो अभी तुमने कहा यदि दिखे तो है, नहीं दिखे तो नहीं है, तो मैं तो दिखता नहीं हूं। नहीं, हो तो सही। तो क्यों नहीं दिखता? बीच में पर्दा आ गया। बस यही बात है। इसीलिए कहा कबीर ने, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, कथ को वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, परंतु ये घूंघट का पट खोल दो, अज्ञान का पर्दा खोल दो। तो ये कैसे खुल सकता है? उसके चार उपाय, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। श्री राम कृष्ण वचनामृत तो आप लोग सब पढ़ते हैं, तो द्वितीय मुलाकात में ही श्री राम कृष्ण देव ने सारे जीवन का आदर्श दे दिया, सब कुछ दे दिया, चार योग के समन्वय की बात कर दी। हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है केवल द्वितीय उनकी मुलाकात जो श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर महाशय की हुई वो आप पढ़ लीजिए। पहले तो मास्टर महाशय वो प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर का दर्शन क्या हो सकता है? श्री राम कृष्ण के अवश्य हो सकता है। भक्त लोग जब पूछते हैं श्री राम कृष्ण को कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है, अवश्य हो सकता है। क्या सभी को हो सकता है? हाँ, सभी को हो सकता है। जो गृहस्थ हैं, गृहस्थाश्रम में हैं, जो जिनको व्यावहारिक बहुत काम करने पड़ते हैं, रसोई का काम करना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है विद्यार्थियों को, और नौकरी करने जाना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है, व्यापार करने जाना पड़ता है, फैक्ट्री में जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ये कितने सारे कार्य हमको करने पड़ते हैं। तो प्रत्येक को कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है। तो ये जितने कार्य करते करते क्या हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? संसार में रहते रहते क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? श्री रामकृष्ण देव ने कहा अवश्य हो सकती है। पर एक बात याद रखो, यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हर्ज नहीं, पर यदि नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो कोई हर्ज नहीं, पर संसार तुम्हारे मन में न रहे, संसार के प्रति आसक्ति तुम्हारे मन में न रहे, तो तुम संसार में तरोगे और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो अनासक्ति पूर्वक संसार में कैसे रहें? तो श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, बड़े घर की दासी के समान रहो। बड़े घर की माने पैसे वाले की, जो बहुत पैसे वाली रहती है सेठानी, वो तो खाती की मोटी हो जाती है, कुछ काम तो करती नहीं और कर भी नहीं सकती, अब क्या करेगी? तो घर का सब काम काम वाली करती है, घर को साफ करना, रसोई बनाना, और जो सेठानी का बच्चा है छोटा सा बच्चा, उसको भी वो आया है वो संभालती है, वो काम वाली संभालती है। बेटा हरी नहाले, बेटा हरी खाले, बेटा हरी चल स्कूल चल। और ऐसा नहीं कि वो हरी से प्रेम नहीं करती है, प्रेम करती है और इतना प्यार करती है कि वो छोटा हरी उसके बिना नहाता नहीं, उसकी माँ बोलेगी सेठानी नहा ले, नहीं, पर काम वाली बोलेगी तो चुरंत नहा लेगा। क्यों?
उन दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य हो गया है। परंतु एक बात है, ये काम वाली जब बोल रही है दासी बेटा हरी नहाले बेटा हरी खाले, तब वो मन में ही मन में जानती है ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी तो वहां झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा गांव में, वो कभी नहीं भूलती है। इसीलिए बाहर से तो बहुत प्यार दिखाती है, करती भी है, सब कुछ है, पर उसकी आसक्ति इस हरी के साथ नहीं हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि कुछ दिनों बाद एक दिन कार्य करते करते उस दासी के हाथ से, उस काम वाले के हाथ से एक जो नई प्लेट लाई थी सेठानी जापान से इंपोर्ट करके, वो प्लेट टूट गई और सेठानी तो बहुत क्रोधित हो गई। हाँ, मैं जापान से इंपोर्ट करके इतनी अच्छी प्लेट लाई, तूने तोड़ दी, गेट आउट, भाग जा। और ये काम वाली तुरंत हंसते हंसते चली जाती, वो रोती नहीं, क्यों? उसको दूसरा काम तुरंत मिल जाएगा, पर ये सेठानी को काम वाली नहीं मिलेगी। काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है। नागपुर की बात मैं नहीं भूलता हूँ, मुझे पता नहीं, पर जहां जहां जाता हूँ, पुणे में गया, वहां बंबई में गया, बड़ौदा की तो बात छोड़ दो, जहां जहां अहमदाबाद गया, सभी जगह जहां जहां जाता हूँ सब लोग बोलते, सभी खास करके माता जी ऐसे बोलती, सबसे बड़ी समस्या क्या? बोले सब टेंशन तो है ही है, ये 12th साइंस में लड़का पढ़ता है उसका टेंशन अलग, जैसे आप पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, 12th साइंस पढ़ता है भाई कोई कम बात नहीं, उसका टेंशन अलग है, वो हस्बैंड का ट्रांसफर होगा, उसका VRS मिलेगा, उसका टेंशन अलग, इसमें ये नया टेंशन, सबसे अधिक बड़ा टेंशन ये है काम वाली नहीं मिलती, अच्छी काम वाली नहीं मिलती। तो बोले कैसी काम वाली चाहिए? कुछ लोग तो बोलते हैं स्वामी जी हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान लाने चाहिए, काम वाले सी दिला दीजिए बस, फिर आपको परेशान नहीं करे। अरे मैं काम वाली कहां लाऊंगा? नहीं, आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो कैसी काम वाली चाहिए? बोले ऐसी काम वाली चाहिए झटपट काम करे, हमको धीरा काम बिल्कुल पसंद नहीं, झटपट झटपट काम करे। दूसरा, साफ सुथरा काम करे, हमको गंदा काम बिल्कुल पसंद नहीं, साफ सुथरा काम करे। तीसरा, कि सामने कुछ उत्तर न दे, जो बोलू वो सुन ले, कभी उत्तर न दे। चौथा, कभी छुट्टी न ले। और पांचवा, कम से कम सैलरी ले। अब ऐसी काम वाली मिलती नहीं, मिलती है तो टिकती नहीं है। तो काम वाली तो मिलना बड़ा मुश्किल है। बाद में वो सेठानी को बड़ा फिर पछतावा हुआ, क्यों? दूसरी काम वाली मिली नहीं, और फिर अपने हाथ से काम करने गई, कमर टूट गई, 5,000 रुपया बिल आया फिजियोथेरेपी का। अरे भाई वो प्लेट गई थी 500 रुपए की, ये 5,000। तो काम वाले को भाई क्रोधित नहीं होना चाहिए, नया इन्होंने पाठ सीखा। तो जो भी होगा, ये जो काम वाली है उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। वो छोटा हरी है, वो उस काम वाले के बिना रोता है, बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सेठानी का कहना नहीं मानता। पर ये काम वाली को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ उस लड़के को छोड़ते, क्यों? वो पहले से जानती थी मेरा हरी नहीं है। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, संसार में रहो, सबसे प्यार करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सभी की सेवा करो, सभी से मिलो जुलो, पड़ोसी से प्यार करो, सभी की सेवा करो, सभी को प्यार करो। पर याद रखना, एक दिन जब बुलावा आएगा, और कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग सब सोचते हैं 100 साल तक तो कोई सवाल ही नहीं है, उसके बाद में देखा जाएगा, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सभी को 100 साल बाद ही आएगा। अभी तो बोलते हैं कि 75 साल तो हमारी एवरेज एज होगी। एवरेज एज 75 साल का ये नहीं है कि आपको गारंटी मिल गई कि 75 साल तक सभी जिएंगे। वो जो 5 साल के जो मरते हैं ना, उसका मिला करके वो एवरेज निकाला गया है। आप सोचते हैं कि 75 साल से तो गारंटी है ही है, तब तक तो भाई मजा कर ले। तो बुलावा कभी भी आ सकता है, और जब बुलावा आएगा तो अकेले जाना पड़ेगा, उसने कोई साथ में नहीं जाएगा, उस हरि के पास जाना पड़ेगा जो हमारे सच्ची हरि है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, सभी को प्यार करो, सभी से मिलो जुलो, सब कुछ काम करो, याद रखना संसार में कोई हमारा नहीं है, सबके लिए हम लोग सेवा अवश्य करेंगे, पर हमारा असली जो है वो उसके पास जाना है। तो संसार में रहो, अनासक्ति पूर्वक संसार में रहो, संसार का काम करते करते, बड़े घर की काम वाली के समान काम करते करते, संसार में ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। और फिर श्री रामकृष्ण देव 4 उपाय बताते हैं, इस ईश्वर प्राप्ति के 4 उपाय। तो मास्टर महाशय ने पूछा, कैसे दर्शन हो सकते ईश्वर के? तो दूसरी मुलाकात में आप देखेंगे श्री रामकृष्ण 4 उपाय बताते हैं। एक, उन्होंने कहा सत असत का विचार करना चाहिए, क्या सत है क्या असत है, क्या
टेम्पररी है क्या परमानेंट है। सत असत का मतलब यह नहीं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब यह नहीं कि ब्रह्म तीन काल में मिथ्या, ये काट वेदांती कहते हैं, परंतु यहां कहने का मतलब कि ब्रह्म सब समय सत्य है परंतु जगत अभी हमको दिखता है, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। यह माइक जो है यह भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, पर यह आपेक्षिक सत्य है। क्यों? आज से 500 साल बाद यह माइक नहीं रहेगा, ये बिल्डिंग नहीं रहेगी, 1000 साल बाद 10000 साल बाद भूकंप आएगा, सब खत्म हो जाएगा, परंतु अभी वह सत्य है। तो यह आपेक्षिक सत्य है और वह निरपेक्ष सत्य, ब्रह्म सत्य जगत नित्य। तो कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा, कौन सा सचमुच में सत है और सचमुच में असत, ये जो डिस्क्रिमिनेशन विवेक बुद्धि के द्वारा वैराग्य प्राप्त करके ज्ञान अर्जन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन प्रक्रिया के द्वारा ये है ज्ञान योग। तो इसको हम आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी पुस्तकों को पढ़ना जिससे हमको मन में यह पता लगे कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस पढ़ाई को भी हम श्रवण के रूप में ले सकते हैं। पहले के जमाने में तो लिखना पढ़ना नहीं था, केवल श्रवण था। अब श्रवण के साथ हम लोग को कहते हैं अच्छी किताबों को पढ़ना, जिन किताबों को पढ़ने से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, SQ बढ़े, केवल IQ और EQ नहीं, SQ। अभी मॉडर्न साइंस ने कहा केवल IQ से नहीं होगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट से नहीं होगा, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशेंट, डेनियल गोलमैन ने खोज की 1991 में कि EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ फॉर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए EQ इमोशनल क्वोशेंट ज्यादा आवश्यक है। और अभी लेटेस्ट डिस्कवरी है मॉडर्न साइंस की SQ। डाना जोहार, वह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अध्यापिका, उसने पुस्तक लिखी है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जहां वो कहती है न्यूरोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देर इज ए कंक्लूडिंग एविडेंस देर इज समथिंग कॉल्ड SQ विच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ एंड EQ। क्या कहती है डाना जोहार कि न्यूरोलॉजिकली बायोलॉजिकली सभी प्रकार से, विज्ञान के सभी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और बायोलॉजी की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उन्होंने विज्ञान ने विभिन्न रूप से पर्यवेक्षण किया, परीक्षण किया, बाद में पाया कि SQ नाम की वस्तु है, स्पिरिचुअल कोशंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और ये जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो कहां रहता है, उसका उसकी हमने उन्होंने खोज कर दी कि ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर EEG मशीन के द्वारा देखा कि जब वहां पर आध्यात्मिक बातें होती है तो उसी स्पॉट पर स्पार्क होता है, इसका नाम उन्होंने दिया गॉड स्पॉट। तो इस प्रकार से विभिन्न परीक्षण करके उन्होंने देखा SQ नाम की वस्तु है। और ये SQ जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक हमें ठीक ठीक सफलता नहीं मिलेगी। यह बात मॉडर्न साइंस नहीं कहता, आधुनिक विज्ञान, जो बातें श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो बातें हमारे शास्त्र कहते हैं, वही बातें अब आधुनिक मनोविज्ञानिक कहते हैं कि SQ डेवलप किए बिना हमारे जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। तो EQ IQ क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या कहेगा, व्हाट इज IQ? तो IQ विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, वो आपको बताएगा कि जीवन का खेल कैसे खेला जाए, यह IQ के द्वारा आप खेल सकते हैं। तो व्हाट इज EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. EQ आपको क्या सिखाएगा, emotional quotient, emotional intelligence क्या सिखाएगा कि जीवन में जब परिस्थिति बदलती है तब उसके अनुसार अपनी मनस्थिति को बदल करके जीवन के खेल को किस प्रकार से अच्छी तरह खेला जाए, यह EQ सिखाएगा। एंड what इज SQ? SQ will tell you whether to play the game of life or not. That's your choice. SQ क्या सिखाएगा कि जीवन का खेल खेलना चाहिए या नहीं, जीवन का खेल क्यों खेल रहे हैं, What is the purpose of life? जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों यह खेल खेल रहे हैं, जीवन का अर्थ क्या है, What is the meaning of life? यह सब SQ सिखाएगा। तो अब मॉडर्न साइंस कहते हैं, आधुनिक विज्ञान कहता है कि यदि हमें सच्ची सफलता चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, परिपूर्णता चाहिए, फुलफिलमेंट इन लाइफ चाहिए, जीवन की परिपूर्णता, तो हमें तीनों चाहिए, IQ, EQ
और एस क्यू, और यह जो एस क्यू जो प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है कि जिसमें हमको उद्देश्य सफलता मिलती। और ये एस क्यू कैसे प्राप्त होगा, ये भी आधुनिक वैज्ञानिक लोग ठीक से जान नहीं पाए। ये हमारे पास उसकी विद्या है, अध्यात्म विद्या। एस क्यू कैसे डेवलप किया जाए, ये अभी खोज कर रहे हैं। हमारे पास उसकी पूरी विद्या, अध्यात्म विद्या हमारे पास मौजूद है। उसको बड़े अच्छे तरह से श्री रामकृष्ण ने बताया कि उसके चार उपाय एस क्यू प्राप्त करें। नंबर एक, सत असत विचार करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं मास्टर महाशय को, सदैव सत असत का विचार करना, क्या सत है क्या असत है। श्रवण मनन निधि ध्यान, चिंतन करना, ज्ञान योग, ऐसी ऐसी किताबों को पढ़ना जिससे हमारा डेवलप एस क्यू डेवलप हो। हमारे खुद के स्वरूप के बारे में, मैं कौन हूं, तो मैं क्या है, शरीर हूं। नहीं, कभी कभी तो मैं कहता हूं कि मेरा शरीर आज ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है मेरा शरीर। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं, कभी कहते मेरी बुद्धि आज कार्य नहीं कर रही, तो मैं तो बुद्धि ना, मेरी बुद्धि है। तो क्या मैं मन हूं? नहीं, आज मेरा मन खराब है। इसका मतलब मैं मन नहीं, मेरा मन खराब है, तो मेरा, मैं मन नहीं हूं। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। कहता हूं ना, आज देखो, आज मेरे से ज्यादा बात करना मत करना। फिर मेरा अहंकार जब आएगा ना, अभिमान जब जागेगा, तो फिर तुमको सुना दूंगा। इसका मतलब मैं अलग हूं, मेरा अभिमान अलग है, मेरा अहंकार अलग है, तो मैं अहंकार नहीं हूं। तो क्या हूं मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं इन सबसे परे एक चैतन्य तत्व हूं। यह विचार करना, इसका नाम है विचार योग या ज्ञान योग। फिर दूसरी बात कहते हैं श्री राम कृष्ण देव, ध्यान करना मन में, वन में, कोने में। तीन जगह ध्यान करने की बात करते हैं, मन में ध्यान करना, वन में ध्यान करना, कोने में ध्यान करना। वन में जा सकते तो बहुत अच्छा है, पर कितने लोग जा सकते हैं? जा भी सकते हैं तो मुश्किल से ईएल मिली, 5 दिन की ईएल मिली, अर्न ली 5 या 10 दिन की। वो 10 दिन की ईएल मिल लेकर के आदमी जाने में 5 दिन निकल गया, वहां जाके बैठ के ध्यान करने बैठे जंगल में, अरे यार ईएल तो खत्म हो रही, चलो वापस। तो क्या ध्यान होगा? तो जंगल का तो वन में ध्यान करना तो होगा ही नहीं, तो इसलिए कोने में ध्यान कर सकते हैं कि चलो। फिर भी श्री रामकृष्ण कहते कभी कभी निर्जन में जाना, नहीं तो कम से कम 10 दिन ही जा सकते, 5 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, कम से कम 3 दिन जाओ। तो इसीलिए मायावती, हमारा अद्वैत आश्रम मायावती जंगल में है, वहां हम लोगों ने रखा है 3 दिन से ज्यादा हम लोग नहीं रहने देते। एकदम गाढ़ जंगल है, अभी भी बाघ आता है। एक बार पिछले साल बाघ आकर के हमारी डेयरी में से गाय को उठा के ले गया। इतना घना जंगल है, दिन के समय भी अंधकार रहता है उस जंगल। तो सब लोग बोलते हैं हमको ज्यादा दिन चाहिए ना, 3 दिन मैक्सिमम मिलेगा भाई। अच्छा ठीक है, 3 दिन मिला। तो पहला दिन तो बहुत बढ़िया गया, सब इधर उधर देखे, धर्मगढ़ पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट सब देखा। उसके बाद में टेप रिकॉर्डर नॉट अलाउड, रेडियो नॉट अलाउड, टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हाय क्या करेंगे। 1.5 दिन के बाद बोलते चलो भाई हमारे से यहाँ रहना नहीं होगा, 3 दिन में नहीं रहते, 3 दिन में खत्म नहीं होता है। तो वन में रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए कम से कम 10 दिन 5 दिन निर्जन में जाने के। पर हाँ एक बात है, कोने में ध्यान करो। हमारे कमरे में ही, हमारे घर में ही एक कोना बना दें, और वहां पर श्री राम स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात बोलते हैं राजयोग के ग्रंथ में, कि यदि तुम रोज किसी अच्छी जगह नहीं जा सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसी जगह जहां पर ध्यान था, नदी के किनारे या जंगल में, तो अपने ही घर में एक छोटा सा कॉर्नर, यदि एक छोटा सा कमरा रख सको तो बहुत अच्छा है। नहीं अभी कमरे 2 ही तो कमरे हैं कुल, तो कैसे एक छोटा सा कमरा दें? तो एक पार्टीशन, वुडन पार्टीशन, कोना, पर उस कोने में बाद में जूता पहन के नहीं जाना, उस कोने में नहाए धोए बिना नहीं जाना, जैसे मंदिर को हम लोग ट्रीट करते, पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के जाना, वहां पर अच्छे देवी देवता के फोटो रख करके उसको सजाना, रोज पुष्प दो, धूप दो, रोज प्रार्थना करो, स्तोत्र पाठ करो, धीरे धीरे वो कोना वाइब्रेशन से सरचार्ज हो जाएगा, फिर वहां बैठने से तुरंत शांति मिलेगी। जैसा यहाँ मंदिर में आके शांति मिलती है, ऐसी शांति अपने घर के उस कोने में मिलेगी। यहाँ नहीं आ सकते, उस कोने में जाके ध्यान करो। और मन में तो ध्यान सब समय करना, पर एक स्थिति ऐसी आती है जब कोने में भी जाने की आवश्यकता नहीं और वन में जाने, पर वो बहुत उच्च अवस्था है। तो वन में को ध्यान करो, कोने में ध्यान करो, मन में ध्यान करो। यह मानो राजयोग की प्रक्रिया बताई। वैसे तो राजयोग पतंजलि योग सूत्र में
राजयोग स्वामी विवेकानंद का आप राजयोग ग्रंथ लीजिए, उसमें पातंजलि योग सूत्र की सभी बातें बताइए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, अष्टांग योग है पातंजलि योग सूत्र का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम भी पांच है, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा, और पांच नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान, और फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। उसी को श्री राम कृष्ण देव ने एक ही वाक्य में कह दिया, अच्छा ध्यान करो मन में वन में कोने में और सत्य का पालन करो। कलयुग की तपस्या है सत्य का पालन, उस सत्य के पालन में पांचों यम आ गए, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह हिंसा। सत्य का पालन करने से देखेंगे बाकी चार अपने आप हो जाएगा, सत्य का पालन करते करो। तो सत्य का पालन करो, ध्यान करो, तो ये मानो राजयोग की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ईश्वर का सदैव नाम गुण कीर्तन करना चाहिए, ये मानो भक्ति योग की बात कही, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। अभी बहुत सुंदर हम लोगों ने भजन सुने, भजन सुनना, भजन का भजन गाना, भगवान का नाम लेना, मंत्र का जाप करना, ईश्वर की पूजा करना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, व्रत उपवास ही करना, ये सभी भक्ति योग के विभिन्न उपाय हैं। तो स्वामी विवेकानंद के दो ग्रंथ हैं, एक भक्ति योग है और एक है प्रेम योग, तो ये दोनों ग्रंथ पढ़ने चाहिए। प्रेम योग में स्वामी विवेकानंद ने बहुत सरलता से बताया है कि प्रेम योग ये हमारे लिए सरल है, क्यों, हम सब चाहते हैं प्रेम, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता, सभी हम लोग प्रेम चाहते हैं, प्रेम देना भी चाहते हैं और प्रेम लेना भी चाहते हैं, पर कितना प्रेम चाहते हैं। मैं युवक लोग आजकल सब प्रेम में पड़ते हैं, प्रेम रूपी कुएं में गिरते हैं, बाद में आते हैं रोते रोते आत्महत्या करने के इरादे से, फिर उनको बचाना पड़ता है। अच्छा मैं बोला कितना प्यार चाहते हो, 10 किलो चाहिए ना 20 किलो चाहिए 40 किलो, तो कितना होगा तब मिलेगा, अब हमको ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं अनंत प्रेम चाहिए। कितना भी प्रेम मिलेगा हमको उससे पेट नहीं भरेगा, क्यों, हम अनंत प्यार देना चाहते हैं और अनंत प्यार लेना चाहते हैं। स्वामी जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं प्रेम योग में, देयर कैन नॉट बी इनफिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज विच आर चेंजिंग ऑल द टाइम एंड देयर मूड्स ऑल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम। दो लिमिटेड रियलिटी, दो व्यक्ति जो है वो सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम कभी संभव नहीं है, इसलिए प्रेम में हमेशा फेलियर मिलेगी, इसके लिए तैयार होकर के प्रेम में पड़ना, नहीं तो एक्सपेक्टेशन, हमने 40 किलो प्रेम दिया उसने 39 किलो प्रेम दिया मैं आत्महत्या करूंगी, ये है आजकल के, क्यों, एक्सपेक्टेशन विल बी ऑलवेज मोर देन दी फुलफिलमेंट एंड फुलफिलमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन द एक्सपेक्टेशन, ये इसलिए कि नहीं दे सकते। स्वामी जी ने पहले ही कह दिया दे कैन नॉट बी इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज, तो क्या हो सकता है, उपाय क्या है, There can be an infinite love between an infinite Atman and infinite Paramatman. हमारे भीतर में अनंत जो आत्मा है और जो अनंत परमात्मा है, ये दोनों के बीच का जो प्रेम है वही अनंत हो सकता है, और इसी का नाम है प्रेम योग। हमारे भीतर का जो आत्मा है वो अनंत प्यार चाहता है, वो अनंत प्यार को करने के लिए उस अनंत परमात्मा से प्यार करता है, जब उस अनंत परमात्मा की प्राप्ति होती है तब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तब वो मस्ती आती है मीराबाई के समान, नरसिंह मेहता के समान, तुकाराम के समान, ये सब भक्त लोग जो इतने नाचते थे क्यों, मस्ती में नाचते थे, बहुत आनंद होता था, क्यों, उनको अनंत प्यार मिल गया। हम लोग उस अनंत प्रेम की खोज में हैं पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं और इसीलिए बाद में पछतावा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधारण व्यक्तियों को प्यार नहीं करेंगे, इसका मतलब नहीं है पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं होगा, बच्चों को हम प्यार नहीं करेंगे, माता पिता को प्यार नहीं करेंगे, ये सब प्यार सच्चे हैं, क्यों, सबके भीतर वही परमात्मा है। ऐसा समझ करके कि सभी के भीतर में वही परमात्मा है, दो प्रोसेस है, एक नेगेटिव प्रोसेस कि कहीं परमात्मा नहीं है चलो परमात्मा को ढूंढने जंगल में, और दूसरा श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर में परमात्मा है, उसको प्यार करो, उसकी सेवा करो और उन परमात्मा, परंतु याद रखो ये जो सीमित व्यक्ति के भीतर में जो असीम है उसको प्यार करो, तब फिर कभी पछतावा नहीं हो। तो ये प्रेम योग या भक्ति योग, इसकी बात श्री रामकृष्ण दूसरी मुलाकात में कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, सब समय कार्य करो पर बड़े घर की कामवाली के समान कार्य करो, मन भगवान में रखो, अनासक्ति पूर्वक कार्य करो, यही कर्म योग, अनासक्ति पूर्वक कर्म करना,
यही है कर्मयोग। तो राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, चार योग की बातें श्री रामकृष्ण ने द्वितीय मुलाकात में ही मास्टर महाशय को कह दी। और यही बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं राजयोग के ग्रंथ में, बहुत सुंदर सारे वेदांत का सार देते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। Do this either by what? Worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. कहते हैं प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मानं प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि, कठोपनिषद ने कहा सर्वेषु भूतेषु, वहां ब्रैकेट नहीं लगाया कि भी सभी मनुष्य के भीतर में वही परमात्मा विराही आत्मा विराजमान है, ब्रैकेट नहीं लगाया कि जो निम्न वर्ण के हैं उनके लिए इनके भीतर नहीं है, जो स्त्रियां हैं उनके भीतर नहीं है, जो बच्चे हैं उनके भीतर नहीं, सभी के भीतर में वही परमात्मा विराजमान है, वही दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। ये कैसे हो सकता है? बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके। ये कैसे हो सकता है? चार योगों के द्वारा, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, एक दो तीन अथवा चारों योगों के समन्वय से उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी जितने बाह्य आडंबर हैं, बाह्य विधियां हैं, बाह्य निम्न आचार विचार हैं, ये सब गौण है। कौन कितनी बार मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने उपवास किए, ये सब गौण है। मुख्य है किसने कितनी मात्रा में अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो ये चार योगों की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो स्वामी जी को पूछा गया, तो भाई हम लोग किस योग का पालन करें? राजयोग आप पढ़ेंगे लगता है कि स्वामी जी कहते हैं राजयोग का ही पालन करो, बस उसमें सब हो जाएगा। और जब भक्ति योग पढ़ते हैं तो लगता है कि स्वामी जी भक्ति योगी की बात करते हैं, बड़ा विचित्र बात। जब ज्ञान योग पढ़ते हैं तो लगता है कि ज्ञान योग ही सर्वस्व है, और कर्म योग पढ़ते हैं कि भले कर्म योग ही सर्वस्व है। इतनी अच्छी सुंदर पुस्तक कर्म योग पढ़ो तो ऐसा लगता है स्वामी जी तो कर्म योग को ही सबसे सुप्रीम मानते थे, बड़ा विचित्र बात। तो फिर हम किसको पालन करें? तो स्वामी जी कहते हैं चारों का पालन करो एक साथ। तो आपने क्या किया? स्वामी जी बोलते मैंने भी यही किया, चारों योग का समन्वय। फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम क्या देखते हैं? चारों योग का अद्भुत समन्वय, मानो चारों घोड़ों पर एक साथ सवार होते हैं स्वामी जी, और ये करके बताते हैं। तो चारों योग का समन्वय करने से फायदा क्या होता है? ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में लोग अभी आजकल क्या बोलते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। आपके पास जितनी संपदा है उस सबका अधिकतम उपयोग करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। जितना आपका रॉ मटेरियल है सभी का अच्छी तरह उपयोग कीजिए, जितनी आपकी फैकल्टीज है सभी का अधिकतम उपयोग करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द फैकल्टीज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज विल गिव यू हायर प्रोडक्टिविटी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ये मैनेजमेंट के क्षेत्र की बात है। वही मैनेजमेंट दैनिक जीवन में यदि हम लगाएं उसी थ्योरी को तो क्या कहेंगे कि हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें तो हमको और ज्यादा फायदा होगा। तो हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे पास भगवान ने हाथ दिए हैं तो हाथ से भगवान का काम करें, जो कुछ भी कार्य तो करना ही पड़ेगा तो हाथों से हम कार्य करें भगवान के लिए, और ये कहें हे भगवान ये सब कार्य तुम्हारा है तो कार्य पूजा बन जाएगा। हाथ भगवान ने जब दिए हैं तो हाथों के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर सभी इंद्रियों के द्वारा, पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा हम क्या करें? ईश्वर के लिए कार्य करें, लोगों की सेवा करें, यही कार्य स्वामी जी ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा श्री रामकृष्ण देव ने जो उपदेश दिया था शिव ज्ञान से जीव सेवा, उसी का स्वामी विवेकानंद ने बखान किया अपने गुरु भाई को, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, क्या सुने थे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र सुनाता हूं। क्या? दरिद्र देवो भव,
रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, उनके भीतर में वो ईश्वर है। तो दूसरों की सेवा करने से हमारे हाथ पैर हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कार्य करेंगे तो ईश्वर की समर्पित बुद्धि से करेंगे, उस दरिद्र में भी वो दरिद्र नारायण है उसकी सेवा समझ के गए तो वही कार्य पूजा बन जाएगा। तो हाथ पैर जब दिए हैं तो हाथों का यूटिलाइजेशन करो कर्म योग करने के लिए, ईश्वर के लिए काम करने के लिए। तो फिर हम लोग को सभी के पास एक मन तो है, सभी के पास मन है, उस मन के द्वारा ईश्वर का ध्यान करो। अभी तो इधर उधर का ध्यान बहुत होता है तो ईश्वर का ध्यान करो, वो है राजयोग, उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो मन का भी यूटिलाइज हो करो। तो फिर हमारे पास बुद्धि भी तो है, बुद्धि के द्वारा सत और असत के बीच का ज्ञान प्राप्त करो, ये है ज्ञान योग। बुद्धि का उपयोग ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए करो तो बुद्धि का भी सदुपयोग हो गया। और हमारे सबके पास हृदय है, ऐसा हृदय है जो प्यार देना चाहता है और प्यार लेना चाहता है, उस हृदय का उपयोग ईश्वर से प्यार करने के लिए करो तो हृदय का भी उपयोग हो गया। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, हृदय का भी उपयोग हो गया, मन का भी उपयोग हो गया, बुद्धि का भी उपयोग हो गया और हाथ पैर का भी उपयोग हो गया, चार सभी फैकल्टीज का उपयोग हो गया चारों योग का समन्वय करने से, तो जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक योग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ये क्या कहते हैं, चारों योग को एक साथ करने से और जल्दी हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, चारों योग को जब एक साथ हम मिलाते हैं तो चारों योग के जो अपने अपने एडवांटेजेस हैं उनके कुछ कुछ लाभ हैं वो सब मिलते हैं, और जितने उनकी खामियां हैं वो खामियां दूर हो जाती है चारों योग को मिलाने से। जैसे राजयोग, तो राज उसका नाम ही रॉयल पाथ, राजयोग उसका नाम ही दिया राजयोग, राजयोग बहुत अच्छा है और जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। पर उसमें क्या है, डेंजर है, कभी कभी लोग वो बहुत जल्दी से किसी के बिना मार्गदर्शन के बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, उसके बाद में फिर हमारे पास लाते हैं इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई अब नीचे नहीं उतर रही क्या करें। अब कोई साइकोलॉजिस्ट को ठीक नहीं कर पा रहा कि साइकोलॉजिस्ट बेचारा क्या करे, वो भी समझते हैं उसकी भी कुंडली कभी सुना ही नहीं कुंडली क्या चीज है। तो ये अचानक भाई किसने बोला था ऊपर चढ़ाने के लिए जोर जबरदस्ती से, तो इस प्रकार से लोग बाद में कुंडली ऊपर। तो ये जो राजयोग, इसमें डेंजर ये है बहुत अधिक ध्यान करने से कैपेसिटी कंसर्न नहीं करने से कभी कभी मस्तिष्क चकरा जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी राजयोग के प्रथम में कहते हैं कि सच्चे मार्गदर्शक के उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही ये राजयोग की सब प्रक्रियाओं को सीखना चाहिए, अन्यथा मस्तिष्क बिगड़ने की भी संभावना है। और आजकल कैसे मस्तिष्क बिगड़ने वाले आते हैं, तो राजयोग बहुत अच्छी चीज है, ध्यान बहुत अच्छा है, परंतु अधिक करने से इस प्रकार से अपनी कैपेसिटी बाहर करने से मस्तिष्क टकरा जाता है। तो क्या करना चाहिए, राजयोग के साथ कर्मयोग जोड़ दो, सारा दिन काम करो सुबह से आप ध्यान करो, तो उसके कारण यह जो डेंजर कम हो गया। कर्मयोग बहुत अच्छा है, कर्म तो हमको सबको करना पड़ेगा इसलिए बहुत अच्छा लगता है भाई कर्मयोग बहुत अच्छा है। क्यों, कर्म तो करना ही पड़ेगा, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, रसोई बनानी पड़ेगी, कुछ सब तो सबको काम करना ही पड़ता है, तो कर्मयोग हमको बहुत अच्छा लगता है। परंतु कर्मयोग में क्या है, उसमें भी एक डेंजर है, उसमें भी एक भय। क्या भय, कर्मयोग करने में एक तो हम लोग वर्कोहोलिक बन जाते हैं, बहुत सारा कार्य किया और ईश्वर को भूल जाते हैं, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, कर्म जब करते हैं असफलता मिलती है दुखी हो जाते हैं, सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है और ईश्वर को भूल जाते हैं। दोनों प्रकार से ईश्वर को भूल जाते हैं, या तो डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब सफलता नहीं मिलती, और जब सफलता मिल जाती है तो अहंकारी बोल के भूल जाते हैं, देखा क्या काम किया मैंने। उस समय यदि भक्ति योग उसमें जोड़ दिया जाए, मैंने नहीं किया, हे प्रभु आपने मेरे पास से कराया, मैं तो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे प्रभु मैं तो निमित्त मात्र हूं, आपने मेरे पास से ये सेवा का कार्य करा लिया, आपकी कृपा से यह हुआ है, ऐसा भक्ति योग भी जुड़ जाए तो कर्मयोग का जहर खत्म हो जाएगा, कर्मयोग सच्चा कर्मयोग बनेगा, वो कर्मयोग हमें उस जहर की तरफ नहीं ले जाएगा, उसका जहर कम हो जाएगा। तो कर्मयोग में हमने भक्ति योग जोड़ दिया, राजयोग में कर्मयोग जोड़ दिया, और सारे दिन कर्मयोग करते करते वर्कोहोलिक हो जाते हैं, तो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ध्यान करने से हमें पता लगेगा कि हम कार्य कर रहे हैं वो कर्मयोग है न कर्म भोग है। एक वरिष्ठ सन्यासी हमको बोला करते थे, अरे तुम लोग बोलते हो कर्मयोग, पर कर्मयोग कर रहे हो ना कर्म भोग कर रहे हो, जितने कर्म है सब कर्म भोग है,
मतलब कर्म का फल अवश्य मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे खराब, पर कर्म भोग है। जब वो योग कब बनता है, जब हम इस प्रकार का ध्यान सुबह शाम करते हैं कि मैं करता नहीं हूं, कोई कराने वाला है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि ये ध्यान नहीं होगा, ध्यान के समय ये ध्यान नहीं रहेगा, तो कर्म योग नहीं बनेगा, कर्म भोग बन जाएगा। इसलिए कर्म योग के साथ ये भक्ति योग और राजयोग जोड़ना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से भक्ति योग, स्वामी जी कहते भक्ति योग बहुत अच्छा है, सबसे सरल से सरल है भक्ति योग, क्योंकि हम प्यार करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेना, वो बहुत सरल हमको लगता है, परंतु उसमें डेंजर है। क्या डेंजर है? सेंटिमेंटल नॉनसेंस। श्री राम स्वामी जी बोलते हैं वो भाव ऐसे भाव में बह जाते हैं कि बाद में अपनी बुद्धि को मानो गिरवी रख देते हैं, और बुद्धि को गिरवी रख करके काम करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ज्ञान योग मिलाने से बुद्धि ठिकाने रहेगी। और ज्ञान योग में क्या भय है, बहुत सारे ज्ञान योग है शॉर्टेस्ट कट, एकदम शॉर्टकट में शॉर्टकट है ज्ञान योग। पर शॉर्टकट में आप हिमालय में जाइए, शॉर्टकट में लेने जाइए, फट गिरे तो 30,000 फीट नीचे सीधा। सूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कव्यो वदंती। कठोपनिषद में कहा वो जो ज्ञान का मार्ग कैसा है, छुरी की नोक पर चलने के समान तीक्ष्ण मार्ग, तीक्ष्ण जो नोक है उस पर चलने के समान भयानक वो मार्ग है। तो उसके लिए क्या करते हैं, और ज्ञान योग जब करते हैं हमको शुष्क लगता है, तो ज्ञान योग के साथ यदि भक्ति योग मिला दे उसकी शुष्कता खत्म हो जाएगी, और वह जो भय है वो भय नहीं रहेगा। इस प्रकार से चारों योग का दैनिक जीवन में समन्वय करने से जल्दी से हमारी सभी फैकल्टीज का मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाएगा, हमारे सभी जितने प्रकार की हमारे पास शक्ति सभी का सदुपयोग हो जाएगा, और क्या होगा, चारों योग के जितने लाभ हमको मिलेंगे और चारों योग के जो गैर लाभ है उनका जहर है वो दूर हो जाएगा। इसलिए चारों योग का समन्वय करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं चारों योग का अद्भुत समन्वय। भक्ति को सवाल ही नहीं, हमेशा आनंद में रहते थे, कीर्तन करते थे, पर केवल भक्ति नहीं की, साथ साथ में ये ज्ञान योग। तोतापुरी के पास उनको तो 6 महीना लगा, 40 साल लगे, और तो श्री राम के 3 दिन में समाधि में चले गए। तो राजयोग भी हम देखते हैं उनके जीवन में, भक्ति योग भी देखते हैं, ज्ञान योग भी देखते हैं, ध्यान भी योग, ध्यान योग और ज्ञान योग भी देखते हैं, भक्ति योग भी देखते हैं, और कर्मयोग हम देखते हैं ना। रामकृष्ण तो कर्मयोगी नहीं थे, कैसे कर्मयोगी थे, 12-12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा बातचीत करते थे, और इतनी कड़ी धूप में दक्षिणेश्वर का बगीचे का इतना सुंदर वातावरण छोड़ करके कलकत्ता की गंदी गलियों में भक्तों पर ध्यान करने के लिए जाते थे। बैटरी है, चिंता मत कीजिए। आप लोग सोचे चलो जल्दी छुट्टी होगी, नहीं मिलेगी, ये बैटरी शुरू हो गई, मेरे भी छुट्टी नहीं, आपकी भी छुट्टी, और 15 मिनट उसके बाद फिर चाय मिलेगी। तो रामकृष्ण देव के जीवन में चार योग का समन्वय, स्वामी विवेकानंद के जीवन में चार योग का समन्वय। ये तो अभी मैंने बताया, रोमारोला कहते चारों घोड़ों पर एक साथ सवार हुए, बचपन से ध्यान का खेल खेलते थे, बचपन से वह जो बिलेश्वर बचपन से ध्यान का खेल खेलता, सांप आया उनको पता ही नहीं लगा, बाकी सब बच्चे दौड़ के भागे, वो अपने ध्यान में भागे, बचपन से ध्यान सिद्ध थे। और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ली, शाम को 7:30 बजे उस अपने कमरे में, बेलू मठ के उस कमरे में अंतिम शब्द क्या थे, उनके सेवक को कहा गो एंड मेडिटेट टिल आई कॉल ऑन यू, जाओ जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं तब तक ध्यान करो, और खुद ध्यान में लीन हो गए और ध्यान के पंखों पर सवार होकर के शरीर को छोड़ के चले गए अलौकिक लोक में। ध्यान में ही बचपन बीता, और अमेरिका जैसे भौतिकतावादी ऐसे पूरे जिसमें इतने सारे कितने प्रकार के डाइवर्शंस, कितने प्रकार के अट्रैक्शंस, कितने प्रकार के आकर्षण और कितने प्रकार के वहां पर गिरदी, उसके बीच में जा रहे हैं, ट्राम में बैठे हैं, बैठे तो ध्यान मग्न हो गए। अब कंडक्टर बोला कहां जाना है, अब तो ये अंतिम स्टेशन आ गया, बोले मुझे तो वहां उतरना था। अरे बोले कब का चला गया, अच्छा फिर बैठो, वापस जब जाएगी ट्राम तब उतारेंगे। इतना ख्याल नहीं रहता था, इतने ध्यान मग्न थे, ध्यान सिद्ध थे ये स्वामी विवेकानंद। और ज्ञान की तो क्या बात करें, श्री रामकृष्ण कहते हैं ज्ञान की तलवार चलाता है विवेक बुद्धि, इसका नाम विवेक, इसलिए विवेकानंद इसलिए रखा गया कि विवेक बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इसीलिए विवेकानंद। ज्ञान की तो बात ही सवाल ही नहीं है। और
भक्ति योग, हम लोग सोचते हैं स्वामी जी में भक्ति, आप भक्ति योग ग्रंथ पढ़ी तब पता लगेगा क्या भक्ति, प्रेम योग ग्रंथ पढ़ी क्या भक्ति। और स्वामी जी खुद कहते थे श्री राम कृष्णा वॉज ऑल ज्ञान विद इन एंड भक्ति विदाउट, एंड आई एम भक्ति विद इन एंड ज्ञान विदाउट। बाहर से देखने से लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो भीतर में इतने नरम इतने कोमल। उनका विस्तृत जीवन चरित्र आप पढ़िए युग नायक विवेकानंद, तब आपको पता लगेगा कितना कोमल उनका हृदय, कैसे भक्तिवान। ये भक्तिवान ज्ञान योगी थे, ज्ञान योग भी थे उनमें था, भक्ति योग भी था, राजयोग भी था। कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, 30 साल की उम्र में सारे विश्व पर उन्होंने विजय प्राप्त करके तहलका मचाया 30 साल की उम्र में, और 39 वर्ष के पहले तो सब काम छोड़ करके चले भी गए। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा था आई विल नॉट लिव टू सी 40, 40 साल के पहले मैं अपना काम समाप्त कर दूंगा। और जाने के पहले उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जब जाएगा तो इस स्थान पर मेरा शरीर का अग्नि संस्कार करना, ठीक उसी देह उसी जगह पर उनके देह के अग्नि संस्कार किए गए हैं जहां स्वामी विवेकानंद का भी मंदिर है, उसी के सामने जो बुल वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके उन्होंने कहा था। एक शिष्य ने पूछा स्वामी जी व्हाई डू यू वांट टू लिव सो अर्ली, स्वामी जी आप इतना जल्दी अपना शरीर क्यों छोड़ना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 इयर्स, आगामी 1500 साल का मैंने काम कर डाला है, अभी वो 1500 साल का मसाला जो दिया उसको पहले, इट विल टेक 1500 इयर्स, 1500 साल लगेंगे उन्होंने जो काम दिया हमको उसको करने के लिए, ये सब करके चले गए। क्या कर्मयोग, अद्भुत चार योग का समन्वय, माँ शारदा देवी चार योग का कितना अद्भुत समन्वय, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक माँ काम करती है, कौन सा कार्य नहीं किया। ये हमारी माता जी है ना, माताएं सब बहनें यहाँ बैठी है, उन लोग बोलते स्वामी जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आश्रम बैठ करके बस प्रवचन दो, ये काम करो काम करो, हमारे घर में आके देखो सुबह सुबह तो महाभारत रहता, महाभारत इसमें आप कैसे कर्मयोग कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरंत भी बोलता हूँ आपने जो कहा वो मैं मान लिया, पर आप मेरी एक बात सुन लीजिए, माँ शारदा का जीवन पढ़ लीजिए, बस चुप। माँ शारदा के जीवन में देखिए आपके घर में क्या महाभारत रचता है, कुछ नहीं रचता। माँ के परिवार में कौन कौन था, पगली मामी 100% पागल थी, फिर राधु 50% पागल, और नलिनी माकू 25% पागल। ये सब पागल के साथ रह के, और इधर गुलाब ये जो गुलाब माँ जोर जोर से चिल्ला रही है वो 12.5% पागल, ये सब पागलों के साथ मिलकर के माँ रहती है। और इतना महाभारत माँ शांति, अशांति क्या चीज है मुझे पता नहीं, और क्या मैंने क्या करते सारे दिन सुबह से लेकर रात, बोले हम लोग को तो बहुत काम करना, क्या काम करना पड़ता है, कुकर में आप बताते उधर कुकर नहीं था, गैस का चूल्हा है, एक दिन गैस नहीं रहा तो हमारा गैस का सिलेंडर नहीं है, आज जाओ रेस्टोरेंट में खाना, हस्बैंड को बोल दिया जाओ रेस्टोरेंट में खाना, अरे गैस का चूल्हा, माँ शारदा गैस का चूल्हा देखी ही नहीं, वो लकड़ी जो भीगी लकड़ी कभी नहीं जलती, उसको जला जला करके मुंह आंख में से धुआं निकलता था। और कब दोपहर को 2 बजे आए, कहां से भक्त दूर दूर से मेमन सिंह से बांग्लादेश से, उनके लिए खाना बना रही, दोपहर को 2 बजे लकड़ी जला रही, गैस का चूल्हा नहीं था। सुबह से लेकर अब बर्तन मानती, आपके पास तो काम वाली ही काम वाली, एक दिन चले जाने से एकदम छुट्टी लेने से एकदम मानो तहलका मच जाता है। माँ के पास कोई काम वाली, खुद काम वाली, खुद बर्तन मानती है, कपड़ा धोती है, और जितना घर का सब काम करती है, मंत्र दीक्षा देती है, मंत्र दीक्षा देने के बाद फिर शिष्य को खुद अपने हाथ से खिलाती है, उसका जूठन साफ करती है। ये है माँ शारदा देवी, और आप ये माँ शारदा देवी करके दिखा गई है, उसका जीवन पढ़िए। तो कर्म योग कितना, कैसा कर्म योग, अब भक्ति योग माँ का कम था। राजयोग हम लोग बोलते हैं, राजयोग श्री रामकृष्ण को समाधि होती थी, एक दिन देखा माँ शारदा देवी समाधि में मग्न है, जब लक्ष्मी दीदी ने कहा, लक्ष्मी दीदी को फिर उनका किसी को बताना मत, ऐसे ध्यान मग्न हो जाती थी वो, हम लोग को पता नहीं माँ शारदा कितनी ध्यान मग्न होती थी। राजयोग भक्ति योग और ज्ञान, माँ शारदा का उपदेश आप पढ़िए, ऐसा ज्ञान उसमें भरा हुआ है। श्री रामकृष्ण कहते थे वो तो साक्षात शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। पहले हमको तो बड़ी हंसी आती है, ज्ञान देने आई है साक्षात सरस्वती, अंगूठा छाप मनी ऑर्डर आता है तो अंगूठा मारती है, अंगूठा छाप बोलती है ज्ञान देने आई है सरस्वती है। परंतु भले उन्होंने ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वो नहीं गई, पर उनके उपदेश आप देखिए कैसा उपदेश, कैसा ज्ञान।
ज्ञान योग चार योग का समन्वय। रामकृष्ण मठ मिशन के जितने वरिष्ठ सन्यासी सभी के भीतर में चार योगों का अद्भुत समन्वय दिखता है। और हमारे अभी रामकृष्ण मठ से जितने साधु सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, हम लोग सब उसी चार योग का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं। और जितने हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के भक्त हैं, वे भी इसका प्रयत्न करते। कैसे करते हैं? सुबह हमारे यहाँ मंगल आरती होती है, 5 बजे मंगल आरती होती है, भगवान की आरती होती है, और फिर स्तोत्र पाठ होता है, ये भक्ति योग हो गया। उसके बाद में गीता ज्ञान यज्ञ होता है, वो ज्ञान योग हो गया। उसके बाद सब लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान राजयोग हो गया। फिर शाम को खंडन भव वंदन जगवंद वंदित हो, फिर शाम को आरती होती है, भजन होते हैं, तो ये भक्ति योग हो गया। फिर शाम को सब लोग ध्यान करते हैं, ये ध्यान योग हो गया। रात को फिर से पाठ होता है कुछ न कुछ किसी ग्रंथ का, ये ज्ञान योग हो गया। तो सुबह शाम ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, सुबह भी होता है, शाम को भी, सारा दिन कर्म योग या सेवा योग। ये इस प्रकार से हम लोग चार योग का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए हम लोग जो कंप्लेंट करते हैं, उनको तो इतना सारा काम रहता है, हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए बताया गया चार योग का समन्वय कीजिए। सुबह थोड़ा सा समय, जितना भी निकल सके थोड़ा सा ध्यान कीजिए, 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है उनका तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, पर कमिटमेंट रखते नहीं है। कितने लोग हम पूछते हैं, अच्छा वो मंत्र दीक्षा के समय फॉर्म तो भर दिया, सुबह शाम जब करेंगे, पर दोनों टाइम करते हैं? बोले नहीं, एक टाइम करता हूँ। कुछ लोग तो एक टाइम भी नहीं करते, बोले कभी कभी करता हूँ। कुछ लोग बोलते 108 बार। एक बार पूज्य वीरेश्वरनाथ जी महाराज, रामकृष्ण देव के हमारे 10वें परमाध्यक्ष थे, माँ शारदा देवी के शिष्य थे, एक बार एक भक्त आके, अच्छा महाराज आपने कहा 108 बार जब करना पड़ेगा, अच्छा 8 बार करने से नहीं होगा? महाराज ने कहा, भाई तुमको कोई जबरदस्ती मंत्र दीक्षा देने को बोला है क्या? तुमको जितना जब करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। अब तुमको यहाँ से बंबई जाना है, तो बंबई में जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन भी है और एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट भी है, और जल्दी जाना हो तो एरोप्लेन है। तुम बोलोगे नहीं, हम तो बैलगाड़ी में जाएंगे, तो बैलगाड़ी में जाओ। तो 8 बार जब करो, तुमको कब पहुंचना है उसके पर आधार रहता है। तो मुख्य बात है यह, जो सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान करें, ध्यान नहीं होता तो कम से कम मंत्र जाप करें। तो यह मंत्र जाप, ध्यान, ये राजयोग, भक्ति योग, और कुछ कुछ ज्ञान योग, गीता या कुछ भी वचनामृत का पाठ अंत तो हम लोग करें, ये भी ज्ञान योग हो जाए, क्योंकि उसमें भी श्री रामकृष्ण ने सारे शास्त्रों का निचोड़ दे दिया, गीता उपनिषद और सारे धर्म शास्त्रों का निचोड़ रामकृष्ण वचनामृत ने दे दिया, तो वो पढ़े, ये ज्ञान योग। और सारे दिन हम क्या करें? कर्म योग। तो कर्म योग करने का एक सुंदर तरीका है, सरल तरीका है, वह है सैंडविच साधना। सैंडविच साधना, इसके पहले मैंने बताया था, पता नहीं बंबई में बताया था, यहां पर शायद तो नहीं बताया, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दूं, सैंडविच साधना। तो सैंडविच तो ये माताएं जानती है बहुत अच्छी तरह, सैंडविच बनाती है। तो सैंडविच कैसे बनाते हैं? पहले ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, फिर उसके ऊपर में मसाला दिया, जो भी उसमें टमाटर दिया, चीज दिया, बटर दिया, मटर दिया, या फिर और भी तो आपका जो सलाद दिया, कुछ भी एक मसाला दे दिया, उसके ऊपर फिर एक ब्रेड का टुकड़ा, पाव रोटी का टुकड़ा दूसरा दे दिया, तो एक सैंडविच तैयार हो गया। उसी प्रकार से सुबह उठ करके, हे ईश्वर, आज जितना भी कार्य मैं करूंगा या करूंगी, यह सब तुमको समर्पित, कर्म तुमको समर्पित, और कर्मों का फल भी है प्रभु तुम्हें समर्पित। यह है ब्रेड का एक टुकड़ा। फिर सारे दिन कर्म करें, कर्म का मसाला भरते जाइए, कर्म किया सब भर दिया। फिर रात को फिर से, हे प्रभु, आज सारे दिन में अच्छे बुरे जो भी काम किए, बुरे काम अब से कम करूंगा, जो हो गया सो हो गया, तो अच्छे बुरे जो भी काम किए प्रभु तुमको समर्पित, उसका फल भी तुमको समर्पित। ये दूसरा पावर है टुकड़ा, और बीच में है मसाला, ये है सैंडविच तैयार हो गया। और एक है, और इसको कर्मियों को और अधिक अच्छा तरह करना है, तो छोटी छोटी सैंडविच और बनाइए। ऑफिस जाते समय, हे प्रभु, आज ऑफिस में जाकर के मैं जो कुछ भी कार्य करूंगा, वह सब अच्छे बुरे सब कार्य, हे प्रभु, तुमको समर्पित, उसका फल भी तुम्हें समर्पित। ऑफिस से घर आकर के, हे प्रभु, ऑफिस में बहुत काम खराब करना पड़ा, क्या करूं, अब टेबल के नीचे से नहीं लेना था, सभी लोग ले रहे थे, ले लिया। तो गीता में मैंने सुना है कि कुकर्म कभी कर्मयोग पड़े नहीं हो सकता है, इसलिए मैं केवल कर्म करूंगा, कल से कुकर्म कम करूंगा, मुझे माफ कर दो, पर जितने कर्म है उसको तो तुम कर्मयोग में परिवर्तित कर दो, कर्म तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुम्हें समर्पित।
इस प्रकार से छोटी छोटी सैंडविच और बना सकते हैं। तो ये सैंडविच साधना करने से हमारा जो कर्म है कर्मयोग में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार से चारे योग का समन्वय करके हम लोग अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उससे क्या लाभ होगा? दो लाभ होंगे, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद मिलेगा, परम सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। यह है मुख्य लाभ। दूसरा लाभ क्या मिलेगा? दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में प्रतिदिन शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हमारा प्रत्येक कार्य पूजा बन जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए और ये प्रार्थना करते हुए कि हम सबको वे शक्ति प्रदान करें, इन चारों योग का समन्वय करके हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके, ऐसी प्रार्थना आप सबके प्रति शुभकामनाओं को प्रकट करते हुए और आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।